हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी अड्डा। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं अतुल सिंह। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स पार्ट 6। आज का पहला क्वेश्चन, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो SBI को ही हम पहले जानते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो सबसे पहले 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुआ था। 1921 में इसे बैंक ऑफ मद्रास कहा जाने लगा। 1840 में बैंक ऑफ बम्बई के साथ मिल करके इसने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया, यानी कि बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में इसका निर्माण हुआ और 1921 में इसे बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बम्बई के साथ मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा, और वही क्या है हमारा SBI। नेक्स्ट, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का जो निर्धारण है किसके द्वारा किया जाता है? दूसरे किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का जो निर्धारण है RBI के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, RBI को हम बैंकों का बैंक कहते हैं, यानी बैंकों का बैंक कहलाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? दोस्तों, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या टोटल 20। जी हाँ दोस्तों, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? दोस्तों, भारत में राजकोषीय नीति तैयार करने का काम है वित्त मंत्रालय का। जी हाँ दोस्तों, राजकोषीय जो नीति है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है, और मौद्रिक नीति जो है वह RBI के द्वारा तैयार किया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है, तो वो जाएगा वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? दोस्तों, भारत में जो केंद्रीय बैंक का कर्तव्य है वो भारतीय रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निभाया जाता है। दोस्तों, अगर रिजर्व बैंक की हम बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक का अगर स्थापना की बात करें कि स्थापना कब हुई थी, तो वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और अगर हम इसके राष्ट्रीयकरण की बात करें कि इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक से क्वेश्चन बार बार पूछता है इसके स्थापना से रिलेटेड। तो स्थापना हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। अगर नेशनलाइजेशन की बात करें तो वो हो जाएगा 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? दोस्तों, ये हुआ था 1969 में। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक नियंत्रण के द्वारा सामाजिक लाभ के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों को जो है कि नेशनलाइज किया गया था। और इसके बाद 1980 में दोबारा जो है 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 14 प्रमुख बैंकों को कब राष्ट्रीयकरण किया गया, तो वो हो जाएगा 1969 में। नेक्स्ट, मुद्रा स्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? दोस्तों, जो मुद्रा स्फीति है वो धनवान के पक्ष में धन को पुनः वितरित करती है, जिसके कारण आर्थिक असमानता जो है उत्पन्न होती रहती है समाज में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनवान। नेक्स्ट, नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? दोस्तों, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, नाबार्ड जो है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने की एक शीर्ष संस्था है। अगर नाबार्ड की हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। और इसका अगर हम जो है कि काम की बात करें कि इसका कौन सा मुख्य कार्य है, तो यह ऐसी संस्थाओं और बैंकों को वित्त प्रदान करता है जो कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास में लगी हुई होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट,
आरआरबी का स्वामित्व किसके पास है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर प्रायोजित बैंक? दोस्तों आरआरबी क्या है? तो आरआरबी होता है रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक जो कि आरआरबी का फुल फॉर्म है। और ये जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजित बैंक यानी तीनों को संयुक्त रूप से इनके अधीन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? दोस्तों गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है ये महात्मा गांधी के आर्थिक विचारधारा से प्रेरित होकर श्रीमन नारायण ने 1944 में एक योजना बनाई थी जिसे हम गांधीवादी योजना के नाम से जानते हैं। कब बनाई थी? 1944 में। और दोस्तों गांधीवादी अर्थव्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है इसमें विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता और न्यायोचित वितरण की बात की गई है, लेकिन इसमें केंद्रीकृत उत्पादन की बात नहीं की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केंद्रीकृत उत्पादन। नेक्स्ट, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या उपाय का उपयोग किया था? दोस्तों आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा न्यासिता का जो सिद्धांत है यानी ट्रस्टीशिप थ्योरी का जो है कि उपयोग किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यासिता का सिद्धांत या फिर ट्रस्टीशिप थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? दोस्तों भारत में जो कि मुद्रा जारी करने का जो एक अधिकार है वो केवल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के पास है, लेकिन एक रुपए का नोट और जो सिक्के हैं छोटे सिक्के वो भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार। याद रखें एक रुपए का नोट और सिक्के ये भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं और बाकी जितने भी इसको छोड़ करके जितने भी नोट वगैरह हैं ये सारा एक अधिकार प्राप्त है इसका आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट, एक रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक रुपए का जो नोट है वो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और इस पे जो सिग्नेचर होता है यह वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। तो एक रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है और बाकी नोटों पे, अगर बाकी इसको छोड़ करके हम बात करें तो उस पे जो है रिजर्व बैंक का यानी कि आरबीआई का जो गवर्नर होगा उसका उस पे जो है कि सिग्नेचर होगा। नेक्स्ट, भारत ने दशमिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की थी? दोस्तों भारत में दशमिक जो मुद्रा प्रणाली है वो शुरू की गई थी 1957 में। जी हाँ दोस्तों, दशमिक मुद्रा प्रणाली क्या मतलब है? यानी कि एक रुपए को जो हम बोलते हैं 100 बराबर पैसों में डिवाइड करना, यही कहलाता है दशमिक मुद्रा प्रणाली। और दोस्तों 1957 से पहले हम जो है आना सिस्टम को लेकर के चलते थे, यानी एक रुपए में 16 आने हुआ करते थे। ये 1957 के पहले ऐसे गणना होती थी और 1957 के बाद दशमिक मुद्रा प्रणाली आ गई जिसमें एक रुपए बराबर 100 पैसे होते हैं। नेक्स्ट, प्रथम, एक मिनट, अल्प ब्याज नीति को और क्या कहा जाता है, या अल्प ब्याज नीति को और हम क्या कह सकते हैं? दोस्तों अल्प ब्याज जो नीति है वो सस्ती मुद्रा नीति कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, अल्प ब्याज नीति के अंतर्गत आरबीआई जो है आरबीआई बैंक दर, रेपो दर आदि में कमी ला देता है जिससे बैंकों के पास जो है फंड अधिक हो जाती है, और ये जो फंड अधिक होता है इसी की वजह से ब्याज जो है दर कम होता है और इससे उद्योग व्यवसाय और उपभोक्ताओं को कम ब्याज पर आसान तरीके से ऋण मिल जाता है। तो यही कहलाता है सस्ती मुद्रा नीति। तो अल्प ब्याज नीति को हम सस्ती मुद्रा नीति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, CRR का संक्षिप्त रूप क्या है? दोस्तों CRR का असंक्षिप्त रूप पूछा है तो वो हो जाता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। यह एक शाख नियंत्रण का उपाय है जिसे रिजर्व बैंक के द्वारा अपनाया जाता है। तो CRR का संक्षिप्त रूप तो हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो या फिर नगद आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट, जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है वह मुद्रा बाजार कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
मुद्रा बाजार। दोस्तों जो मुद्रा बाजार है ये भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है कि पार्ट होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुद्रा बाजार। नेक्स्ट अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है? दोस्तों ये होता है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों अंतिम उपाय का ऋणदाता मतलब क्या हो गया? दोस्तों आपको पता है कि रिजर्व बैंक जो होता है इसको हम बैंकों का बैंक कहते हैं। दोस्तों यह जो बैंक है उस समय यानी कि जो RBI उस समय इसको ऋण देती है जब अन्य सोर्सेज से इनको जो है कि वित्त आसानी से नहीं मिल पाता, तो और जगह से वित्त न मिलने की स्थिति में RBI के द्वारा ऋण दिया जाता है, इसीलिए इसको हम अंतिम उपाय का ऋणदाता कहते हैं। तो राष्ट्रीय जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? दोस्तों सरकारी खर्चे पर नियंत्रण करना यह केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, जबकि शेष जो बाकी ऑप्शंस हैं वो केंद्रीय बैंक के कार्य हैं। और दोस्तों सरकारी खर्च पर नियंत्रण का जो कार्य है वो राजकोषीय नीति का हिस्सा है, यानी सरकारी खर्च पर नियंत्रण राजकोषीय नीति के अंतर्गत किया जाता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा नहीं। नेक्स्ट, निम्न में किसे उत्प्रवाही द्रव्य माना जाता है? दोस्तों उत्प्रवाही द्रव्य क्या होता है? उत्प्रवाही द्रव्य यानी कि हॉट मनी, जो आसानी से क्या हो बदल जाए। दोस्तों हॉट मनी हम कहते हैं FII को, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर है वो कहलाता है हॉट मनी या फिर उत्प्रवाही द्रव्य। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।